नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज आईटीआई फर्स्ट ईयर आल ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर का एनालिसिस करेंगे और आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं और उन्होंने शेयर किए कि सर आज ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, जिससे अगर आपके आगे एग्जाम है तो जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही जिन बच्चों के आज एग्जाम है वो भी इस पेपर का एनालिसिस करो कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है और कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। साथ दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो अभी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर काफ़ी मटेरियल है। आप किसी भी ट्रेड जो हर चीज ट्रेड का मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और आज पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करें। यानी आपको जो ये फिगर दिए गए हैं तो ये फिगर किस चीज़ के हैं सारे फिगर। तो मेरे हिसाब से आपने ऐसे चित्र देखे होंगे। तो बताओ दोस्तों, ये आप बताओ कि पैमाना है, सेट स्क्वायर है, चांदा है या फ्रेंच कोर है। दोस्तों, पैमाना यानी स्केल, स्केल आप सभी जानते हो, यानी आयताकार आकृति में होता है, लगभग 15 या 30 सेमी का आता है, सभी जानते हैं। सेट स्क्वायर आप जानते हो, त्रिभुजाकार आकृति में आता है, एक होता है 30-60 डिग्री का, एक होता है 45-45 डिग्री का, ये भी है। चांदा आप सभी जानते हो, चांदा अर्धवृत्ताकार आकृति या वृत्ताकार आकृति में आता है। बच्चा क्या, फ्रेंच कवर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी फ्रेंच कवर आपका ये सर का ये। अब बताओ दोस्तों, ये फ्रेंच कवर क्या होते हैं। दोस्तों, ये होते हैं, आप भले सेट स्क्वायर ले लो, चांदा ले लो, कोई भी ले लो, जिसके बीच में जो खांचा बना होता है वो इसी आकृति का बना होता है और इन्हीं खांचों को क्या कहते हैं, फ्रेंच कवर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर राइट होगा, यानी फ्रेंच कवर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे रखा है, अक्ष के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यानी कुल मिला के ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको जो ये अक्ष के द्वारा ये भाग दर्शाया गया है, इस भाग का आपको नाम बताना है। तो बताओ ये क्या है दोस्तों, स्क्रू है, सिर है, ब्लेड है या कड़ी है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम सिर यानी हेड। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, सिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज ये पूछा गया था और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, टी स्क्वायर में स्ट्रोक और शीरा, यानी स्ट्रोक क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं, और ब्लेड के बीच का कोण क्या है। तो बता दोस्तों, कितने डिग्री का कोण होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका टी स्क्वायर आता है वो इस प्रकार का आता है और इसके बीच में ये आती है आपकी ब्लेड। अब आपको ये तो है ऊपर वाला स्ट्रोक और ये है ब्लेड, तो इनके बीच में ये कोण है, ये कोण पूछा। तो बताओ दोस्तों, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिन बच्चों ने डी किया है उसका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने में उपयोगी उपकरण है। तो बताओ दोस्तों, 15 डिग्री पर कोण बनाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है, बताओ, पैमाना है, चांदा है, फ्रेंच कवर है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आपका जो चांदा होता है, चांदा क्या होता है, 30, 0, फिर 15, 30, 45 वो भी आता है, लेकिन अगला ये बोला कि 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए उपयोगी उपकरण है। तो दोस्तों, वह होता है आपका सेट स्क्वायर। यानी सेट स्क्वायर कैसे, सभी को पता है आपका जो सेट स्क्वायर रहता है वो 30 और 60 डिग्री और 45। तो ये आपका जो सेट स्क्वायर है, ये वाला, तो ये वाला आपका 30 डिग्री पर भी है। तो आपका ये पूछ रहे कौन से सेट स्क्वायर क्या काम आता है, तो वो आता है दोस्तों आपका सेट स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिगर में दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताइए। यानी जो आपको ये भाग दे रखे हैं, इन भागों को क्या बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों, क्या बोलते हैं। देखो, एक चीज़ नोट की होगी आपने, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं, और इसे आपका आइसोमेट्रिक, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं, तो इसमें 6 भुजाएं, तो 6 भुजाएं यानी क्या हो गया, षष्ठभुज, यानी इसे बोलेंगे हम हेक्सागोन। अगर 5 भुज होती तो पेंटागन बोलते, अगर 8 भुज होती तो ऑक्टागन यानी अष्टभुज बोलते। और पिरामिड, पिरामिड क्या होता है दोस्तों, पिरामिड का मध्यफल होता है जिसका धरातल तो क्या होता है, नाम के अनुरूप होता है। जैसे हो गया कि आपका पंचभुज नाम के अनुरूप ये हो गया, और इसके ऊपर शंकु आकृति होती है, उसे बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था, क्या है, ड्रॉइंग के उप शीर्षक के लिए
mm में आकार और ऊंचाई क्या होती है? तो बता दोस्तों क्या होती है, तो वह 3 से 5 mm होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन है ड्राइंग शीट के वाले A4 पदनाम का आकार क्या है? तो A4 वाले पदनाम का आकार होता है दोस्तों आपका 330 और इंटू 450, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका 330 इंटू 450। काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट भी लग रहा है, मेरे को भी डाउट लग रहा है, तो दोस्तों एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। A0, A1, A2 और A3, यहाँ पर आपको A4 पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये होती है आपकी 841 इंटू 1189, सही है। ये हो गया आपका 594 इंटू 841, मैंने आपको बताया भी था, फिर ये इसका आधा इधर हो जाएगा, तो 841 का आधा हो जाएगा 420 इंटू 594, फिर यहाँ 594 के आधा हो गए 297 इंटू 420 के आधे 210। अब 210 के आधे कितने होते दोस्तों? 210 के आधे होते हैं दोस्तों आपके 105, 105 इंटू 297। देखो दोस्तों 297 और कहीं नहीं दिख रहा, तो आपका ये आपका परिष्कृत माप नहीं है, अपरिष्कृत माप है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शीर्ष ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए? तो दोस्तों शीर्ष ब्लॉक के लिए आप नीचे दाया हाथ पर, यानी बी ऑप्शन इसका भी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, तो बता दोस्तों शीर्षक ब्लॉक में क्या दर्शाया जाता है? तो दोस्तों शीर्षक ब्लॉक में हमेशा ड्राइंग का पैमाना दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।